राजेश खन्ना का चार्म, शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और किशोर कुमार की मनमोहक आवाज, इन तीनों को मिलाकर किसी बेहद ही मकबूल फिल्म की कल्पना की जाए तो वो होगी आराधना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और शक्ति फिल्म्स के साझे प्रयास से बनी इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। इसकी कहानी व पटकथा लिखी थी सचिन भौमिक ने तथा संवाद लिखे थे रमेश पंत ने। तकरीबन 2 घंटे 49 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, पहाड़ी सान्याल, मदन पुरी, असित सेन, मनमोहन, अभी भट्टाचार्य, अनीता गुहा, सी एस दुबे आदि। फिल्म आराधना अपने मधुर गीतों के लिए भी याद की जाती है, जिनके संगीत तैयार किए थे सचिन देव बर्मन और उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। तकरीबन 31 मिनट 55 सेकंड की कुल लंबाई वाले 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भौरे, सफल होगी तेरी आराधना, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, बागों में बाहर है और रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा। फिल्म के इन गीतों को अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और सचिन देव बर्मन ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आराधना साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाओ फिल्म की तो वो थी दो रास्ते, जिसने 3.25 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा इस साल कमाई के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर रही फिल्म एक फूल दो माली, जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, यूं तो फिल्म आराधना को लिखने का श्रेय सचिन भौमिक को दिया गया, पर इसका कोर आइडिया साल 1946 में आई मशहूर अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म टू इच हिज ऑन से लिया गया था। वास्तव में इस फिल्म से प्रेरणा लेकर सचिन भौमिक ने 2 फिल्में लिखी। पहली फिल्म थी शशि कपूर की एक श्रीमान एक श्रीमती तथा दूसरी फिल्म थी आराधना। जब यह बात आराधना के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत को पता चली कि दोनों फिल्मों की कहानी और उनके क्लाइमेक्स में काफी समानताएं हैं तो वो बड़े चिंतित हो उठे। दरअसल तब तक एक श्रीमान एक श्रीमती की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, अतः शक्ति सामंत ने सोचा कि आराधना को बंद ही कर दिया जाए। लेकिन उसी शाम मशहूर लेखक गुलशन नंदा अपने एक साथी मधुसूदन कालेकर को लेकर शक्ति सामंत से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंचे। वास्तव में इस मुलाकात की असली वजह थी फिल्म कटी पतंग की स्क्रिप्ट, जिस पर वो चर्चा करने वाले थे। लेकिन जब गुलशन नंदा ने परेशान शक्ति सामंत को देखा और उसका कारण जाना तो उन्होंने मदद करने की ठानी। इस तरह से अगले कुछ घंटों में न केवल आराधना की कहानी में फेरबदल किए गए बल्कि उसके क्लाइमेक्स को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। मूल कहानी के हिसाब से राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद फिल्म के सेकेंड हाफ में किसी अन्य हीरो की एंट्री होनी थी, लेकिन स्क्रिप्ट में बदलाव करने के बाद राजेश खन्ना को ही पिता पुत्र की दोहरी भूमिकाओं में रखा गया। फैक्ट नंबर 3, इंटरनेट में उपलब्ध लगभग हर स्रोत में फिल्म का रिलीज डेट 27 सितंबर 1969 बताया गया है, जो कि सटीक नहीं जान पड़ता। दरअसल इस तारीख को फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया गया था। ऐसे में यह असंभव है कि जिस दिन फिल्म का सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस हो ठीक उसी दिन उसे रिलीज किया जा सके। इसके पीछे के कारण को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि आज की तरह उन दिनों फिल्मों की एडिटिंग डिजिटली नहीं होती थी। ऐसे में जिस दिन सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया जाए ठीक उसी दिन फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट्स में उसे जोड़ना नामुमकिन प्रतीत होता है। अगर यह किसी तरह से हो भी
जाए तो उन प्रिंट्स को तत्काल अलग अलग सिनेमा घरों तक भेज पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि 27 सितंबर 1969 को शुक्रवार का दिन नहीं था, जबकि उन दिनों फिल्में सामान्यतः इसी दिन रिलीज किए जाते थे। इस तरह से देखा जाए तो फिल्म इसके निकटतम शुक्रवार यानी कि 3 या 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ होगा। हालांकि इसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। खैर, आप में से कोई दर्शक इस बारे में सटीक जानकारी रखते हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के लोकप्रिय गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू को देखकर यह बता पाना जरा मुश्किल है कि इसमें राजेश खन्ना और सुजीत कुमार का जीप वाला भाग अलग से शूट किया गया था, जबकि शर्मिला टैगोर वाला दृश्य अलग से। दरअसल जब इस दृश्य की शूटिंग दार्जिलिंग में की जानी थी तब शर्मिला टैगोर काफी बिजी थी, ऐसे में वो दार्जिलिंग नहीं जा पाई। इस तरह से शक्ति सामंत ने केवल राजेश खन्ना और सुजीत कुमार वाला भाग वहां शूट किया तथा शर्मिला टैगोर वाला भाग बम्बई के एक स्टूडियो में ट्रेन का सेट लगवाकर फिल्माया। इस तरह से दोनों दृश्यों को जोड़कर यह भ्रम पैदा किया गया कि दोनों एक ही फ्रेम के हिस्सा हैं। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में सुभाष घई ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई है, जो कि फिल्म के सेकेंड हाफ में राजेश खन्ना के दोस्त के रूप में दिखते हैं। वास्तव में उन दिनों सुभाष घई एक अभिनेता के तौर पर सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ यह जानना भी बड़ा मजेदार है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बेहद ही दिलचस्प घटना घटी थी। दरअसल इसके एक दृश्य के लिए उन्हें कार चलाना था, लेकिन उन्हें ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। उधर शक्ति सामंत को तनिक भी भान नहीं था कि सुभाष घई कार चलाना नहीं जानते। अतः जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला, सुभाष घई ने गियर डालकर कार आगे बढ़ा दी, जो कि असंतुलित होकर एक दीवार से जा भिड़ी। सालों बाद जब फिल्म हीरो की शूटिंग के दौरान ऐसे ही एक दृश्य के लिए सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को जीप चलाने दी, तो उन्होंने आराधना वाला घटना को याद किया। अतः जैकी से साफ साफ पूछा कि तुम्हें ड्राइविंग आती है या नहीं, जिसके जवाब में जैकी श्रॉफ ने कहा था उन्हें बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग आती है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के लोकप्रिय गीत रूप तेरा मस्ताना को उन दिनों के हिसाब से काफी सेंसुअल माना जाता है, जिसे देखकर यह भी लगता है कि इसकी शूटिंग में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को काफी परेशानी हुई होगी। पर यहां आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसे केवल एक ही टेक में पूरा कर लिया गया था। बात करें इस गाने की रिकॉर्डिंग की, तो शुरू में सचिन देव बर्मन इसके धुन को अपने भटियाली गायन शैली में रखना चाहते थे, लेकिन किशोर दा को लगा कि इससे गाने की सेंसुअलिटी खत्म हो जाएगी। खैर, काफी माथापच्ची के बाद इसे सचिन देव बर्मन के ही एक पुराने बांग्ला धुन पर वेस्टर्न अंदाज में रिकॉर्ड किया गया। फैक्ट नंबर 7, एक नायिका के तौर पर फरीदा जलाल की यह गिनी चुनी फिल्मों में से एक है। इसके शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वो कहती हैं कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना अक्सर मुझे रेनू मोटी कहकर चिढ़ाते और शूटिंग में उपस्थित सभी क्रू मेंबर चुपचाप इसका मजा लेते। हालांकि राजेश खन्ना के ऐसा कहने में भी एक प्यार और अपनत्व था, जिसे महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऊपर ऊपर मैं उन पर गुस्सा दिखाती थी। फैक्ट नंबर 8, शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की उन भाग्यशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिनका फिल्मी कैरियर शादी के बाद भी काफी सफल रहा। जिन दिनों फिल्म आराधना के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा था, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उनके गर्भ में सैफ अली खान पल रहे थे। खैर, यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि शर्मिला टैगोर से पहले यह भूमिका अर्पणा सेन और आशा पारिक को भी ऑफर की गई थी, पर दोनों ने ही फिल्म को यह कहकर मना कर दिया था कि वो इसके सेकेंड हाफ में राजेश खन्ना की बूढ़ी मान नहीं बनना चाहती। फैक्ट नंबर 9, फिल्म आराधना का शीर्षक शुरू में इसकी मुख्य नायिका के नाम पर वंदना रखा जाना था, जो कि शक्ति सामंत को ज्यादा सटीक नहीं जान पड़ा, अतः उन्होंने इसे बदलकर आराधना कर दिया। खैर, यहां आपको बताते चलें कि इस फिल्म को बांग्ला में भी डब करके रिलीज किया गया था, जिसके गाने भी बांग्ला में ही थे। आगे चलकर साल 1974 में इस फिल्म को तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिमेक किया गया, जिनके नाम थे क्रमशः शिव गामयन सेल्वन और कन्नावारी कलालू। फैक्ट नंबर 10, साल 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों में आराधना को भी शामिल किया जाता है, जो कि इस सिलसिले की पहली कड़ी थी।
गौरतलब है कि कुछ लोग कहते हैं इस दौरान राजेश खन्ना ने 17 नहीं बल्कि 15 हिट फिल्में ही दी थी। हालांकि दोनों ही अपने अपने जगह पर सही हैं। इन 17 में से केवल 15 में ही राजेश खन्ना सोलो हीरो थे और बाकी के दो फिल्मों मर्यादा और अंदाज में उनके साथ क्रमशः राजकुमार और शम्मी कपूर भी हीरो के तौर पर नजर आए थे। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के दिल्ली में प्रीमियर के दौरान वहां राजेश खन्ना भी मौजूद थे, लेकिन मेहमानों और दर्शकों ने उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन दिनों उनकी बैक टू बैक कई फिल्में पिट गई थी। ऐसे में राजेश खन्ना चुपचाप स्टेज के एक कोने में खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे मेहमानों और दर्शकों पर राजेश खन्ना का सुरूर चढ़ने लगा और फिल्म खत्म होते होते ये आलम रहा कि हर कोई उनका दीवाना बन गया और उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 12, राहुल देव बर्मन ने अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के गानों से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि जब मैं इसके गानों की रिकॉर्डिंग को लेकर किशोर दास से मिला तो उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, प्यारे पंचम, तुम इस फिल्म के हीरो को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है? यह सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि किशोर दा ने फिल्म के लिए गाने से साफ मना कर दिया। मैं काफी देर तक उनसे इसका कारण पूछता रहा, तब कहीं जाकर उन्होंने बताया कि जब तक फिल्म का हीरो मुझसे नहीं मिलेगा तब तक मैं इसके कोई भी गाने नहीं गाऊंगा। अगले दिन सचिन देव बर्मन राजेश खन्ना को लेकर किशोर दा से मिले, जहाँ डरते डरते राजेश खन्ना ने उनसे पूछा कि क्या बात है। उस दिन किशोर दा ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि इधर उधर की बातें करते रहे। इस घटना के बारे में शक्ति सामंत ने कहा था कि वास्तव में किशोर दा राजेश खन्ना से इसलिए मिलना चाहते थे ताकि वो उनके हाव भाव को अच्छी तरह से समझकर गानों को गा सकें। फैक्ट नंबर 13, साल 1969 के बिना का गीतमाला में इसके दो गीतों को जगह मिली थी, जहां मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू को 14वां तथा कोरा कागज था ये मन मेरा को 33वां स्थान मिला। इसके अगले साल 1970 के गीतमाला में इसके तीन गाने जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां कोरा कागज था ये मन मेरा को 15वां, बागों में बहार है को 20वां और रूप तेरा मस्ताना को 22वां स्थान मिला। फैक्ट नंबर 14, सचिन देव बर्मन के बारे में विख्यात था कि वो किसी भी अभिनेता के लिए प्लेबैक नहीं करते थे। वो अक्सर वही गीत गाते थे जो कि फिल्म के बैकग्राउंड में प्रयोग किया जाता। कई बार यूं भी हुआ कि उनके द्वारा गाए हुए गीत फिल्म की अभिनेत्री पर फिल्माए गए, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट बात थी। साल 1963 की फिल्म बंदनी के गीत मेरे साजन है उस पार के बाद ये एक और मौका था जब फिल्म आराधना के गीत सफल होगी तेरी आराधना को फिल्म की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया और इस गीत के लिए एसटी बर्मन को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फैक्ट नंबर 15, फिल्म आराधना से पहले राजेश खन्ना एक असफल अभिनेता माने जाते थे और शक्ति सामंत के लकी मैस्कोट शम्मी कपूर का कैरियर भी ढलान पर पहुंच गया था। ऐसे में फिल्म आराधना की सफलता से राजेश खन्ना और शक्ति सामंत की जोड़ी की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय सिनेमाई जोड़ी की सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक माना जाता है। आराधना के बाद दोनों ने फिल्म कटी पतंग, अमर प्रेम और अनुराग जैसी अन्य सुपरहिट फिल्में भी दी, पर 1974 के बाद जब राजेश खन्ना की फिल्में पिटने लगी तो शक्ति सामंत भी उनके गिरते कैरियर को नहीं बचा पाए और अनुरोध व महबूबा जैसी घोर असफलता के बाद दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद शक्ति सामंत ने अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का दामन पकड़ लिया, पर यह बात अलग है कि राजेश खन्ना के पतन के साथ ही शक्ति सामंत का भी पतन होने लगा और उनकी बाद की कोई भी फिल्म खास सफलता हासिल नहीं कर सकी। तो ये थी साल 1969 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म आराधना पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।